अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वैक्स हीटर की क्लीनिंग। इस वैक्स हीटर को मैंने तकरीबन 2 दफ़ा अभी यूज़ किया है और इसको साफ़ नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि मैं आपके साथ वीडियो में इसको साफ़ करूँगी। ये वैक्स हीटर बहुत अच्छा चल रहा है, इसको मैं तकरीबन 3 साल से यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो चलिए इसको आज इकट्ठे साफ़ करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। अच्छा, सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने वैक्स हीटर को फुल करके इसको रख देना है कि इसके अंदर जितनी भी वैक्स है वो सारी मेल्ट हो जाए। देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा वैक्स है और तो जितनी भी ये वैक्स है इसको सारे को पहले मेल्ट करेंगे और फिर इसके बाद जाएंगे स्टेप नंबर 2 पर। हीटर को साफ़ करते वक्त ये बात का ध्यान रखना है क्योंकि ये प्रोसेस काफ़ी मैसी है, तो आपने नीचे कोई कार्डबोर्ड या कोई गत्ता वगैरह डाल लेना है क्योंकि जितनी भी वैक्स होगी वरना वो फर्श पे लग जाएगी और फिर उसको उतरना मुश्किल होगा। इस तरह यह होगा कि जितनी भी अगर वैक्स आपके नीचे गिरेगी तो वो सिर्फ गत्ते पर होगी और फिर आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं ईजिली। जैसे ही वैक्स मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी तो आपने जितनी भी वैक्स इजीली बाहर निकल आएगी उसको किसी स्पैचुला की मदद से बाहर निकाल लेना है और उसको कार्डबोर्ड पर लगा लें। और ये देखें जितनी निकल सकती थी इजीली वो बाहर निकाल ली है। काफ़ी ज़्यादा देखें साफ़ हो गया है, बस थोड़ा सा रह गया है, ऑलमोस्ट इसका बाउल साफ़ हो गया है। अब इसकी साइड पे है, इसके साइड पे इस जो लगी हुई है वैक्स इसको स्क्रैप करके उतार लेंगे। थोड़ी बहुत रह जाएगी साइड पे, उसको हम ऑयल के साथ उतार लेंगे। और ये देखें कितना अच्छा साफ़ हो गया है। यहाँ पे मैं अभी 4 वाली भी पिक्चर डाल दूँगी लेकिन वो तो आपने वैसे भी स्टार्ट में देख ही ली है, और आफ्टर देखें कितना अच्छा क्लीन हो गया ये। अब इसकी साइड साफ़ करते हैं। जितनी साइड से उतर सकती थी वो भी उतार ली है, इसका बाउल भी साफ़ कर लिया है और अब इसका लास्ट स्टेप रह गया जो इसकी बाहर वाली बॉडी है इसको साफ़ करना। ऑयल लगा कर इसको रख देंगे और फिर इसके बाद इसको साफ़ कर लेंगे और इस तरह आपका वैक्स हीटर बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। बिहाइंड का कैमरा मैंने इसको साइड से साफ़ कर लिया था और अब जो ज़्यादा जितर वैक्स लगी थी वो मैंने कहा चलो आपके सामने साफ़ कर लेती हूँ। ये जो येलो येलो आपको नज़र आ रहा है ये ऑयल है। जब ये एक फा सारा साफ़ हो जाएगा तो इसको साफ़ कर लें क्योंकि जिस पे जो ऑयल है और जो भी वैक्स वगैरह वो सारी उतर जाए। और ये देखिए कितना साफ़ निकल आया, और इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपने नीचे कोई कार्डबोर्ड डाल लेना क्योंकि देखिए कितना ज़्यादा मैस हो गया। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में लाजमी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।